एक तरफ ओवैसी मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात कर रहा है, नामूस रिसालत पर पहरा दे रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की बातें कर रहा है, मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहा है, नारा लगा रहा है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमानों को जागरूक कर रहा है, मुसलमानों से कह रहा है कि अपना लीडर चुन लो, अपना कायद चुन लो, किसी की ग़ुलामी ना करो। वो चीख चीख के हर मुद्दे पर पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुसलमान हैं जो ओवैसी ही को गलत ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि ओवैसी जो है राजनीति करना नहीं जानते, ओवैसी को मैं अपना लीडर नहीं मानता, ओवैसी जो हैं जिन लोगों को अपने सभा में इकट्ठा कर लेते हैं वो लोग तमाम के तमाम पागल हैं, ओवैसी भड़काऊ बयान देते हैं। यही नहीं, महमूद मदनी UCC और CA को सपोर्ट भी कर रहा है। मुसलमानों, अब आप बतलाएं कि ये महमूद मदनी RSS का दलाल नहीं है तो फिर क्या है? देखिए, मैं दो वीडियो लेकर आया हूँ, एक तो असदुद्दीन ओवैसी की, उन्होंने भी अपने बयान में इस मदनी की पोल खोल दी है कि मदनी RSS का दलाल है। दूसरी वीडियो है महमूद पिराचा साहब की, जो उन्होंने अभी फ़िलहाल ही में महमूद मदनी का ये बयान देकर बयान दिया है। उन्होंने साबित किया है कि महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये दोनों RSS के कितने बड़े दलाल हैं। चलिए पहले हम महमूद पिराचा साहब का इंटरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का इंटरव्यू देखेंगे। महमूद मदनी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। महमूद मदनी खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि CA NRC देश में हो जाना चाहिए। इसके अलावा तमाम और भी सवाल हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर, उनके कार्यकर्ताओं को लेकर, 15 मिनट पुलिस वाला बयान, यानी एक के बाद एक कई बयानों को लेकर उन्होंने बात कही है। सोशल मीडिया पर हंगामा इस बात को लेकर है कि जिस CA NRC के विरोध में जनता सड़क पर उतरी हुई थी, संविधान की प्रतियां लेकर ये दिखा रही थी कि CA NRC कैसे गैर संविधानिक है और उसके अवज में आकर कितने सारे मुस्लिम युवा नौजवान आज भी जेलों में बंद हैं। तो क्या महमूद मदनी उन सबको ठुकरा रहे हैं, उन सबको एक तरीके से गलत बता रहे हैं कि CA NRC का प्रोटेस्ट जो था वो गलत था? इन तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पिराचा जी हैं। सर, आपके सामने भी वीडियो आया होगा, पहली प्रतिक्रिया महमूद जी का जब आपने वो वीडियो देखा क्या लगा? मेरी प्रतिक्रिया तो वही है जो पहले थी। क्या? मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, लोग अब कहना शुरू कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि देखिए, मेरा किसी से जाति इख्तलाफ और किसी की शख्सियत से इख्तलाफ नहीं। जो लोग पूरी मिल्लत मुस्लिम समाज को बेच रहे हैं, जो देश के टुकड़े कराने के लिए RSS और BJP का पूरी ताकत से हस्ताक्षर दे रहे हैं, जो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर RSS के साथ मिलकर देश तोड़ना चाहते हैं, मैं उन्हें RSS का दलाल बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ। तो लोगों को लेकिन समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोग मेरी बात उस वक्त थोड़ा सही तरीके से नहीं ले रहे थे। बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुझसे बहुत कड़वे सवाल पूछे और बहुत बड़ी तनकीद की। आज वो सारे जर्नलिस्ट वो सब महमूद मदनी साहब को अब दलाल कह रहे हैं, लेकिन अब 5 साल बाद कह रहे हैं। मैं आपको 2019 की वीडियो दिखाता हूँ, जब हम सब लोग जान हथेली पे लेके CA NRC की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त ये क्या बोल रहे थे आप वो सुन लो। लगता है अगर 10 लाख या 20 लाख 30 लाख 50 लाख लोग पड़ोस के मुल्कों से यहाँ आ जाए और उनको वो कर लिया जाए तो कोई हैरत नहीं है, लेकिन अगर कोई मुसलमान यहाँ आए तो क्यों आएगा? अपना मुल्क छोड़कर मुसलमान अपने मुल्क छोड़कर यहाँ मेरे यहाँ क्यों आएंगे? मुझे कोई मुसलमान नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो अब जो रसूलुल्लाह के निजामे मुस्तफा के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भी बयान काफी वायरल की बात नहीं है? देखिए, ये लोग जब मैंने ये कहा था कि ये इनके चाचा जो ये बोल रहे हैं कि हम मनु के चरणों में सर झुकाते हैं और हम सबसे कहते हैं आओ मनु के चरणों में सर झुका लो, तब मैंने मेरी बात पे लोगों ने तंकीद की। हालांकि मुझे खुशी है इस बात की कि 70% लोग तब भी मेरी बात मान रहे थे, लेकिन 30% लोग ऐसे थे ना जो मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब सारी चीजें एकदम साफ होगी दुनिया के सामने, ये समझे आप? टीवी पे इनके इंटरव्यू क्यों दिखा रहे हैं भाई? इनके अंदर ऐसी कौन सी कला है कि चाहे रजत शर्मा को ले लो चाहे किसी को ले लो, इन्हीं का इंटरव्यू ले रहा है बुला बुला के। अच्छा, ये सवाल भी है, आपने टीवी वाला सवाल उठा लिया। और रजत शर्मा बेईमान आदमी, ये सारे क्रिमिनल जो है, सारे के सारे क्रिमिनल्स जो टीवी अपने आप को प्रेस बताते हैं, है तो सब बेईमान क्रिमिनल्स, ये इनको क्यों बुला के इनके इंटरव्यू लेते हैं? तालियां बजती हैं इनके। मतलब रजत शर्मा के प्रोग्राम में अगर
महमूद मदनी के लिए ताली बज रही है तो वो ताली कौन बजाता है? सारे के सारे जो दर्शक आते हैं वो तो आरएसएस के लोग ये खुद ही बुला के लाते हैं। मैं जब जाता था प्रेस में, मैं तो जब किसी क्रिमिनल मीडिया में जाता था एक चीज प्रूव करने के लिए कि इन सबके घर में घुस के भी इनको इनको एक्सपोज किया जा सकता है, इनके प्लेटफॉर्म पे भी। मैंने वो दुनिया को दिखा दिया तो मेरे लिए तो ताली नहीं बजती थी। मुझे तो सड़क चलते लोग बोलते थे कि आपसे अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता, ताली तो मेरे लिए एक ना बजी कभी जो ये सामने बैठे लोग होते थे। क्यों? क्योंकि वो सब तो चैनल वाले ही बुला के लाते थे, इनके लिए इतनी तालियां बजती हैं। अब भी नहीं समझ में आता लोगों को। पर ये भी तो कहा जा रहा है कि मदनी साहब से अगर टाइम लेता है कोई पत्रकार तो नहीं मिलता, लेकिन वो लोग जो दरा दिन जहर उगल रहे उन पे ही मिनटों में पहुंच जाते हैं। तो आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दिया है। पत्रकारों को टाइम थोड़ी मिलेगा, दलाल किसको टाइम देगा? दलालों को, क्योंकि दलालों को दलाल ही बुलाते हैं और दलाल ही एक दूसरे की सुनते हैं। आपको समझ में नहीं अपने साथ इतना कड़वा बोल रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूं ना। अभी रजत शर्मा केस डाले ना, मैं साबित करूंगा दलाल है वो। डाले तो सही भाई, मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ, डिफेमेटरी डिफेमेटरी है ना ये। बेईमान बोल रहा हूं उसे मैं, डाले केस मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो बेईमान है। और ये पब्लिक गुड में है कि मैं उसे बेईमान बोलूं, ये डिफेंस है। मैंने यही तो इन्हें कहा कि आप फिक्र मत करो, हम आपको किसी भी झूठे केस में सजा नहीं होने देंगे। तो ये लेकिन इनके दिल में बेईमानी है ना, दिल में बेईमानी, इसलिए अब डाले। ये सुधीर चौधरी का बताओ, रूबी का लियाकत, किसका नाम लेवाना, ले वालों सबका। ये सब इन्हें क्यों बुलाते हैं? इनसे बड़ा ऑरेटर कोई नहीं है, एक से बढ़कर एक ऑरेटर है, एक से बढ़कर एक आलिम है। इनको क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये दलाल है। इनको बोला जाता है अमित शाह द्वारा कि भाई इनको बुलाओ, इनको प्रोजेक्ट करना है, ये हमें एक लाइन ऑफ एक्शन रखना है, ये दूसरा लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन जो है हमें गाली देगा, और इन सब ये दूसरे तरीके के जो लोग हैं उनको ये सब मिलके मारेंगे, मुसलमानों को बदनाम करेंगे, उन्हें गालियां देंगे टेलीविजन पे। और ये हर बार एक सेट ये भी तो है ना, जो दाढ़ी रख के मौलाना बन के जाते हैं वो गाली खाने ही जाते हैं, खूब गालियां मिलती हैं उन्हें, और अगली बार फिर पहुंच जाते हैं। किसी की पिटाई भी हुई जूते से, वो अगली बार फिर पहुंच गए। क्यों जाते हैं बताओ आप? अब नहीं जाएंगे तो कम से कम बात तो रखेंगे ना। रख रहे हैं ना बात, जूते खा रहे हैं, पिट रहे हैं, जूता खाया ना। बात एक तो रखेंगे इस तरीके से कि मुसलमानों की छवि खराब हो, फिर उनको पीटा जाएगा ये मॉब लिंचिंग का माहौल बनाने के लिए, कि ये तो हैं सी लायक, इनको पीटो, ये चुपचाप काम काम करते हुए भाग जाते हैं। ये सब एक नैरेटिव तैयार कर रहा है जिसका ये हिस्सा है। अब लोग समझे कैसे? जो किसी भी मुद्दे को उठाए उसको आखिर तक अंजाम तक पहुंचाए। आप इनसे एक मुद्दा पूछ लो जिसको इन्होंने उठाया हो और अंजाम तक पहुंचाया हो, एक भी नहीं है। पूछे ना इनसे, ये टेस्ट बता रहा हूं, मेरे से भी पूछे। अगर मुझे कुछ लोग मानते हैं कि मैं भी एक अपने आप को या एक इंपॉर्टेंट शख्सियत हूं, मुझसे भी पूछे कि आपने किसने केस उठाया और कितनों को अंजाम तक पहुंचाया, आपका रिजल्ट क्या है, फैक्ट चेक नहीं करोगे आप? जुबैर साहब है ना, वो फैक्ट चेक करते हैं, फैक्ट चेक नहीं करोगे कि मैंने ये कहा, आप 15 मिनट दे दो तो 15 मिनट से आपने रिजल्ट क्या हासिल करना था, वो पूछे तो सही उनसे। मैं जैसे हर बार हर लफ्ज में मेरी हर स्टेटमेंट में मेरे होता है कि सब मजलूमों को इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है, एस सी एस टी मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और ओबीसी को मिलकर लड़ाई लड़नी है, 90% है। मैंने कोई ऐसी एक स्टेटमेंट दी है जो इसके बगैर दी हो? मैं उस पर कायम हूं ना, और मैं उस पर दिन रात जुटा हुआ हूं। ये क्या बोलते हैं, मुसलमान खतरे में, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ये जुल्म हो रहा है, हम ये कर देंगे, और करते क्या है, जीरो। फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ये जो लोग ये करते हैं। पर इस तरीके के बयान से तो जिस तरीके से आलोचना हो रही है तो उन्हीं का नुकसान है, क्यों देंगे वो ऐसा बयान? सीएनआरसी पे जो बयान दिया है तो लोग आलोचक बन रहे हैं ना उनके, कि ये गलत है, कि सीएनआरसी का आप कैसे समर्थन कर सकते हैं जब आप ही विरोध कर रहे थे उस वक्त में। 2019 का दिखाएंगे ना अपना भी, उनसे आपने आपको तो दे नहीं रहे ना इंटरव्यू, वो तो बताएंगे कि मैं तो शुरू से खिलाफ था इसके। मैंने अभी आपको 2019 का दिखाया ना, जब सीएनआरसी का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म था, वो तो जब लोगों ने गाली दी ने मुंह छुपाने के लिए आए, वरना इनके दिल में तो यही है ना, ये इनका एजेंडा, इनको रोल दिया गया। कह रहे हम गलत नहीं है तो हम डरे क्यों, लाओ ना रजिस्टर, हम कौन से घुसपैठिए हैं? फिर मैं कब कह रहा हूं कि ये गलत है सही है? लेकिन जो भारत के संविधान और कानून में नहीं लिखा हुआ है, जिसकी मंशा ये है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास एक इंच जमीन का नहीं है, वो कहां से कागज दिखाएंगे? मुसलमानों के ऊपर खतरा नहीं है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर है, और सरकार इनसे ये काम करवा रही है ताकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को ये बोले कि ये मुसलमानों की वजह से हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। मुसलमान खुद कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का रजिस्टर बनाओ, उनके कागज देखो, कागज उनके पास मिलेंगे नहीं, कागज गई, रिजर्वेशन गई, उनकी पढ़ाई लिखाई गई, सब कुछ गया। मुसलमानों से ज्यादा खतरा उधर है ना, हमने क्या किया था जब बाद में इन लोगों को भेजा था ना, जब हमने
एक बहुत सारे लोग ये थे जो ये कह रहे थे मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। मैंने जामा मस्जिद से चंद्रशेखर को ले जाके और उससे पहले भी एक बात कही थी जो बात सबने मानी और फिर बाद में सबने बोली कि बाबा साहब का संविधान खतरे में। आपने हर एनआरसी के बाबा साहब की फोटो देखी, किसकी वजह से थी वो? संविधान देखा किसकी वजह से था? मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का कन्वेनर कौन है? नेशनल, मैं, तब से ही है ना ये। तो ये संविधान बाबा साहब जो सारे सीएनआरसी में पहले दिन से लगे थे वो किसकी वजह से लगे थे? अब इसकी वजह से वो इसको मुसलमान इशू बना नहीं पा रहे थे, ये सबसे बड़ी नफरत मेरे से है। तो और ये लोगों को जब उन्होंने ये देखा कि ये इस महमूद प्राचा एक अकेले इंसान ने इस इशू को जो हमारा एजेंडा बन जाता उस इशू को हमारा एजेंडा बनने नहीं दिया आरएसएस का, तो तब इन लोगों को भेजा कि तुम जाके और वो बोलोगे जी मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में। अभी इम्तियाज जलील साहब ने इतनी बड़ी रैली निकाली, चाहे उसके पीछे 50 क्रिटिसिज्म करे थे, मैं उनके साथ हूं, किया तो सही भाई। देखो ऐसा बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें परमिशन दे दी सांड गांठ करके, पर उनको भी पता है कि अगर परमिशन दी है तो कोई ना कोई शरारत भी कर, इतना बड़ा रिस्क कर सकती है सरकार ही करा सकती है, आरएसएस के कुछ गुंडे बेच के और वहां पे कुछ झगड़ा करा देते, ये रिस्क उन्होंने लिया, तो इसलिए मैं उनकी तारीफ ना करूं, बिल्कुल करूंगा। ये उन्होंने एक बहुत बहादुरी का काम किया है, रिस्क लेके किया है और उनको इस काम के लिए मैं सलाम करता हूं। मेरी इतनी भर लड़ाई है सबसे, इसके आगे नहीं है। ये काम कर दें, ये छोड़े पब्लिक भी ना लाएं, हम और अब सब इनके पास तो 100 बड़े बड़े मौलाना लगने वाले लोग हैं ना, वो सब हम हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं, वक्फ के लिए बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे। ये आपका चैलेंज मानो उनके लिए, मैं बोल रहा हूँ ना बैठे, मैं इनकी जिंदाबाद करूंगा, मेरी लड़ाई वहीं तक तो है, उसके आगे मेरी लड़ाई नहीं है किसी से भी। मुझे इनका पद नहीं चाहिए, मुझे इनका रुतबा नहीं चाहिए, मुझे इनकी तालियां नहीं चाहिए, मुझे इनके मुरीद नहीं चाहिए, लेकिन ये मुसलमानों के नाम पे लीडरशिप करके इन्हें कुत्ता नहीं पूछेगा कोई, अगर ये रिप्रेजेंट ना कर रहे हो मुसलमानों को या इतनी बड़ी तंजीमों के हेड ना बन के बैठे हो जिसमें लोगों जिन तंजीमों को लोगों ने, इनके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने पसीने से ज्यादा अपने खून से सींचा है, उस जगह पे बैठे ना, इसलिए इनको कोई कुत्ता नहीं पूछेगा अगर ये उन जगहों पे ना बैठे। तो अगर ये कुछ भी उससे आज की अपनी हरकतों से कोई भी अच्छा काम करेंगे तो मैं इनकी जिंदाबाद करूंगा, मेरी तो उतनी भर लड़ाई है किसी से, और इससे ज्यादा लड़ाई नहीं है। आरएसएस का साथ छोड़ें, हमारी तरफ आ जाएं, बस इतनी बात है। चलिए फिर हम इनकी तारीफ करेंगे, फिर हम इनकी जय जयकार करेंगे, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है इनसे। सही। ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जो आपको सारी हकीकत बता रहे थे। अब हम आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुना देते हैं कि जिसमें वो मदनी की तमाम हकीकत को वाज़े कर रहे हैं। दारुस्सलाम की तकरीर में मैंने इनके बारे में कहा तो लोग ने मुझसे पूछे कि आपने रंग बिरंगी कह दिया, मैंने कहा इसलिए कहा ये आरएसएस के रंग में हमारी सफ़ों में आ रहे हैं। और जब रंग की बात आई तो अमीर खुसरो ने क्या अच्छा कहा था, अमीर खुसरो ने क्या अच्छा कहा था, मैं उस रंग को मानने वाला हूँ। अमीर खुसरो ने कहा था आज रंग है मार रंग है री, मोरे महबूब के घर रंग है री, ये सजन मिलावे रा सजन मिलावे रा, मोरे आंगन को जग जियारो जगत उजियारो, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी रे, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया। ये इनके ये जो मोदी जी को नमस्कार, वाह मोदी जी वाह, ये आरएसएस के रंग में है। और ओवैसी जो अमीर खुसरो ने कहा था महबूब इलाही के बारे में, इस रंग में और उस रंग में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम अजमेर की दरगाह के खिलाफ आज अजमेर में केस पड़ गया कोर्ट में, और केस डालने वालों ने कह दिया कि अजमेर की दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसके नीचे एक मंदिर है। अब बताइए आप, अभी वफ का कानून बना नहीं मगर ये लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, दलाल हैं ही, दलाल ही हैं अरशद मदनी, दलाल हैं आरएसएस के, अब ठीक है, महमूद मदनी दलाल हैं आरएसएस के, अब ठीक है, क्लैरिटी से कर दिया, करें केस, मैं साबित करूंगा, मेरे पास सबूत है, करें करें, हो गई आपकी सवाल का जवाब मिल गया। एक अधिवेशन से आपने इतना नाम, एक से नहीं, मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं पिछले 8 साल से, मेरे पास सबूतों का गट्ठा लगा हुआ है, गट्ठा मतलब पूरा कमरा भर जाएगा, इतने सबूत है मेरे पास, करें ना हिम्मत, करें डिफेमेशन का केस,
अरशद मदनी, महमूद मदनी करें, ये दोनों दलाल हैं आरएसएस के और बाकी भी बहुत सारे दलाल हैं, लेकिन आज इन दोनों का ही बताना जरूरी है। सर, ये मदनी भतीजा और चाचा, इनकी जोड़ी और जमाते उलमा हिंद, दोनों के सिद्धांत अलग हैं या उसी हिसाब से चला रहे हैं? देखिए, सिद्धांत तो इनके इतने अच्छे हैं जिसका आप और हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये अपने सिद्धांतों से हटके आरएसएस की दलाली कर रहे हैं। ये है, इनके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, ये अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का एक तरीके से जो कहते हैं ना सूद वसूल कर रहे हैं, वरना लोग इनकी शक्ल देखना पसंद ना करें आज, अगर ये उस खानदानों से ना आते हो तो। समझ गए आप बात? ये है, ये जो कहते हैं, जो मनुवाद की जो साम दाम दंड भेद जो है ना, ये वो उसका जीता जागता नमूना है। जो ये कहते हैं, जो ये नजर आते हैं, वो ये नहीं है। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि होगा क्या मुसलमानों का, यानी उवैसी मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं, नामूस रिसालत पर पहरा दे रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ कोई बकवास कर रहा है, उससे लड़ रहे हैं, जो मुसलमानों को मारने की धमकी दे रहा है उसे जो है सबक सिखा रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, मुसलमानों को मुत्तहिद कर रहे हैं, मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं, तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये आरएसएस के दलाल मुसलमानों को बखेरने के काम कर रहे हैं, मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं, मुसलमानों में तफरका फैलाना चाहते हैं, मुसलमानों को एक होना नहीं चाहते, ये मुसलमानों को ये नहीं चाहते कि मुसलमान एक हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, अपना एक लीडर चुन लें, मुसलमानों को जो है मजबूती मिल जाए, ये आरएसएस के दलाल बिल्कुल नहीं चाहते और इस तरीके के बयान देते हैं कि ओवैसी ये है, ओवैसी फला है, ओवैसी भड़काऊ बयान देता है, ओवैसी को जो है हम नेता नहीं मानते। क्या है ये, मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर क्यों उगला जा रहा है? क्या ये आरएसएस और बीजेपी की दलाली नहीं है? दोस्तों यही बात महमूद पिराचा ने कई मरतबा बतलाई है कि ये दोनों चचा भतीजे जो हैं ये आरएसएस के दलाल हैं।